नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ में ये जो प्यारा सा फ्लावर प्लांट देख रहे हैं, फ्लावर देख रहे हैं, आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। चूँकि कुछ दिन पहले नर्सरी से लाया गया है और लगभग 15-20 दिन तो हो ही गए हैं नर्सरी से लाए हुए, तो इनको अब रिपोर्ट करने जा रही हूँ क्योंकि पॉट जो मेरा है 6 इंच का है। तो मैंने ये सॉयल मीडिया तैयार करी हुई है जो कि बहुत ही हल्की है। वैसे जो अजेलिया का प्लांट होता है फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही हल्की मिट्टी चाहिए होती है, और जो अगर हो सके तो इनको कोकोपीट जो आता है उसमें लगाएं, लेकिन कोकोपीट मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे राइस हस्क का यूज करूँगी। तो सबसे पहले जो नर्सरी वालों ने पॉट में लगाया, वह पॉट की जो साइज़ है सिर्फ 6 इंच है, तो 6 इंच में फ्रेंड रूट बाउंड होने का डर है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक सकती है। तो अब इसको मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ। तो नर्सरी वालों ने सिर्फ इसको कोकोपीट में लगा के रखा है, देख सकते हो आप, बहुत ही लाइट वेट इसकी मिट्टी है। तो और साइड साइड से इन्होंने मिट्टी डाली हुई है, जो गार्डन सॉइल होती है उसको डाला हुआ है उन्होंने, बाकी कोकोपीट में ही लगा है। तो पॉट देख सकते हैं सिर्फ 6 इंच, इसमें देखिए फ्रेंड्स केचुए भी लगे हुए हैं जो कि मिट्टी को बहुत ही हेल्दी रखते हैं और ड्रेनेज भी अच्छा रखते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था केचुए को देखकर, तो उसको मैं साइड में रखती हूँ। और ये मैंने पॉट लिया है, पॉट मेरा फ्रेंड्स 12 इंच का है, और इसमें मैंने राइस खस नीचे पत्थर रखकर राइस हस्क रख दिया ताकि नीचे हमेशा नमी रहे। फ्रेंड्स अजेलिया का जो प्लांट होता है उसको नमी जगह पसंद होती है, जहाँ पर ठंडक होती है, हल्की ठंडक हल्का गर्म, वहाँ पे अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो जो भी मिट्टी बनाएं आप अजेलिया के लिए, बिल्कुल लाइट वेट होनी चाहिए, ज़्यादा गार्डन सॉइल नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने फ्रेंड्स बता दूँ, मैंने राइस हस्क का ज़्यादा यूज़ किया ताकि ये लाइट वेट है, इसकी मिट्टी में बिल्कुल हमेशा नमी बनी रहे। और इसमें राइस हस्क है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा सा फंगीसाइड भी ऐड किया हुआ है मैंने, 2-3 दाने DAP के डाले हैं। तो इतना हमारे अजेलिया के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी फ्लावरिंग पे है, इसमें कुछ कलियाँ भी आ रही हैं। तो 15 दिन पहले प्लांट आया तो इसमें और भी बड्स आई थी जो कि खिल के ख़त्म भी हो चुकी हैं, अभी हो भी रही हैं इसमें। तो इसको अच्छे से इस तरीके से फैला देना है मिट्टी को, और अच्छे से इसको टैप करके रख दें ताकि जो इसमें एयर बल्ब हों, एयर पॉकेट हों, वो अच्छे से ढक जाए, क्योंकि पानी डालने के बाद फ्रेंड्स मिट्टी नीचे बैठती भी है। तो अच्छे से इसको ऐसे ठोक के थोड़ा सा नीचे मिट्टी बिठा दें अच्छे से पूरा, तो इस तरीके से अच्छे से ढकना है। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही मिट्टी रखती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि डालने के बाद में नीचे मिट्टी बैठ जाती है। और फ्रेंड्स कभी भी आप रिपोर्ट करो तो उसको पानी इस तरीके से नहीं देना, आप हाथ लगा के दें, जब थोड़ा सा पानी हो जाए आपके गमले में तो नीचे से दीजिएगा इस तरीके से, फिंगर से लगाते हाथों के बीच से, जो उंगलियों के बीच से पानी दिया जाता है इस तरीके से देना है। फिर उसके बाद में धीरे से पतली सी इस तरीके से देना है, आराम से, ज़्यादा ऊँचाई से नहीं देना, नहीं तो जहाँ पर हम ऐसे डालते हैं तो गड्ढे हो जाते हैं, तो कभी कभी रूट्स भी दिखने लगती हैं इस तरीके से डालने से। तो आप कभी भी डालें तो उंगलियों के बीच से पानी दीजिए, या फिर स्प्रेयर से यूज़ दे सकते हैं, पाइप से भी दे सकते हैं। तो पानी बिल्कुल, मतलब जब हम पहली बार रिपोर्टिंग करते हैं तो खूब अच्छे से ऊपर तक पानी इनको भर देते हैं, जब तक नीचे से ड्रेनेज होल जो हमारा होता है वहाँ से पानी ना निकलने लगे, इस तरीके से आपको पानी देना है। और जब पानी नीचे से निकलने लगे ड्रेनेज की होल से, तो समझ जाइएगा कि हाँ हमारी जो पूरी मिट्टी है वहाँ तक पानी पहुँच गया। देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा वाटर है इसी तरीके से अगर निकल जाएगा तो आपको जो प्लांट मरने के जो चांस होते हैं बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और ना ही आपके प्लांट फंगीसाइड होंगे, ना ओवर वाटरिंग का डर रहेगा। तो इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ, जब भी पॉट लें उसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसी से निकल जाता है इसी तरीके से। और फ्रेंड्स कभी भी जब आप रिपोर्ट करते हो, रिपोर्टिंग के बाद में इन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, बस इनको मॉर्निंग की जो हल्की धूप मिलती है ऐसे ही दिखाना है। तो ऐसे ही इनको रख दीजिएगा जहाँ पर इनको सिर्फ मॉर्निंग की धूप मिल सके, जब अच्छे से आपका प्लांट सेट हो जाए तब इनको धूप दिखा सकते हो। और फ्रेंड ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ही ज़्यादा
ठंडक हो वहीं पे ही अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो अजीलिया के प्लांट होते हैं इनको थोड़ा सा सर्द जगहें पसंद होती हैं, लेकिन अभी क्या है ना गर्मी शुरू हो गई है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी आप अगर इस तरीके के प्लांट लाते हैं तो उसको आप सेमी शेडी एरिया में रखिएगा, लेकिन हाँ धूप भी ज़रूरी है, तो इनको धूप भी दिखाते रहिएगा, मॉर्निंग या इवनिंग की धूप दिखाते रहिएगा। आगे मैं इनकी देखभाल की भी वीडियो शेयर करूँगी आप लोग के साथ में, तो आप लोग चैनल पर बने ही रहिएगा। सो फ्रेंड आज ये मेरी अजीलिया प्लांट की रिपोर्टिंग और इसके मैंने टिप्स बताए कि इसको रिपोर्ट करने के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अभी कुछ दिन तक तो पानी बिल्कुल भी नहीं देना है क्योंकि अभी मैंने एक साथ पानी दे दिया, लेकिन हाँ चेक करते रहिएगा कि इसमें नमी हमेशा बनी रहे क्योंकि इसको नमी पसंद होती इस प्लांट को। तो फ्रेंड आज की थी मेरी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।